लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मुंबई में एक और निर्भया के साथ हुई दरिंदगी ने लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ नई मुंबई ने वाशी में कैंडल मार्च निकाला और निर्भया के साथ दरिंदगी करने वाले दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। रिपाई नेताओं ने कहा कि मुंबई भारत के सबसे सुरक्षित नगरों में से एक है, ऐसे में हाँ ऐसी हैवानियत शर्मसार करने वाली है, इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। मुंबई के साकीनाका में हुए निर्भया कांड को लेकर देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने मुंबई के निर्भया को न्याय दिलाने नवी मुंबई में कैंडल मार्च निकाला और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। युवा नेता एडवोकेट यशपाल ओहोल के नेतृत्व में रिपाई कार्यकर्ताओं ने नवी मुंबई वासी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर प्रदर्शन किया और निर्भया के साथ दरिंदगी करने वाले हैवानों के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। रिपाई नेताओं ने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई में बेटियों और महिलाओं के साथ इस तरह की दरिंदगी बर्दाश्त से बाहर है, ऐसे हैवानों को फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मागासवर्गीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जमातींवर हा एखादा प्रकार घडला तर तो दाखल होतो, तशाच पद्धतीचा एक कायदा या महाराष्ट्र शासनाने या देशाने अंमलात आणला पाहिजे। ज्या महिलेवर असा अन्याय होतो, अत्याचार होतो, अशा महिलांचं संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा राज्य सरकारने केंद्र सरकारने करणं गरजेचं आहे, आणि तरच खऱ्या अर्थानं या देशामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये महिला या सुरक्षित राहतील। अभी देखिए, महाराष्ट्र शासन ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की है। जैसा कि दिल्ली में निर्भया प्रकरण हुआ था, उसको भी फास्ट कोर्ट ट्रैक की मांगनी हुई थी। लोगों ने पूरा देश में आंदोलन किया था, उसके बाद में निर्भया के नाम से सरकार ने ऐसा गलत काम कोई नहीं करना चाहिए, इसके लिए पाबंद होने के लिए कुछ काम किया था, लेकिन फिर भी समाज में ऐसी जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति व्यक्तिगत स्वरूप में जिस प्रवृत्ति में ऐसी बात दिल में आती है, मन में आते हैं, तभी लोग ऐसी बात करते हैं, ऐसे गलत काम करते हैं। मेरा कहना इतना ही है कि लोगों की मांग है, लोगों की मांग सरकार ने और कोर्ट ने समझनी चाहिए और उसको सजा देनी चाहिए। ऐसा कि नाक्याला असं घडलंय, अहो काय सांगाव की आम्ही सावित्रीच्या मुली सांगाव का शिवाजी महाराजच्या मुली सांगाव का बाबासाहेबाच्या मुली सांगाव काय सांगाव की आमच्यावर एवढे अन्याय घडायला लागले, अन्याय थांबत नाही। माझं तेवढंच सांगणं आहे महिला आघाडीच्या वतीनं की पोलीस डिपार्टमेंटनं त्यांना लवकरात लवकर पकडा आणि त्याला म्हणजे कोर्टामध्ये पाठवू नका। हे तर माझं पहिलं पण मी बोलली ना, आताही बोलली, भारत चौकामध्ये त्याला पेट्रोल राखेल टाकून जाळा। त्यावेळेस आमच्या मनाला महिलांच्या मनाला समाधानी होईल आणि निषेध करते महिलांच्या वतीनं, आरपीआयच्या वतीनं निषेध करते, निषेध निषेध निषेध। महिलाओं के प्रति जो देखने का रवैया अपनी इंडियन सोसाइटी में है, जिसको पितृसत्ताक सोसाइटी बोलते हैं, यहाँ महिला की ये नहीं है। महिलाओं के लिए जो ढंग से हमारी विचारधारा है वो बदलनी चाहिए अपने को, तो शिक्षा में उसका ध्यान रखना जरूरी है। हमारे जैसे कि झांसी की रानी है और जो भी है बड़ी बड़ी नारियाँ, उनका जो सम्मान करते हैं वो हिसाब से हर एक नारी का यहाँ ये देश में सम्मान होना चाहिए और उसकी शुरुआत शिक्षा से ही होती है। बलात्कार करना रे मानस छोटे आसो का मोटे आसो,
प्रकार छोटा असो का मोठा असो पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर जास्तीत जास्त लक्ष देऊन कारवाई केली पाहिजे आणि शासनाने त्यांच्यावर लक्ष दिलं पाहिजे. महिलांवरचे असे अत्याचार वाढत जातील तर महिला आत्महत्या केल्याशिवाय राहणार नाही. महिलांचा इज्जतीचा प्रश्न आहे. सरकारने केंद्र सरकारने या सगळ्या गोष्टीवर लक्ष ठेवून या महिलांचा अन्याय न्याय देऊन त्यांना हक्क मिळवून देण्याचे काम करण्या केले पाहिजे. हे सब अच्छी बात नाही आहे. हे सब बॉम्बे हम इतना खुल के रहते इधर तो अभी इनसिक्योर लगने लगा है हम लेडीज़ लोगों को. तो ये बात होना नहीं चाहिए. ये महाराष्ट्र सरकार और राज्य सरकार को सबको मतलब समझना चाहिए. पूरा रिपब्लिकन पार्टी की साथ में है और कैंडल मोर्चा लेके आए हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया.